पूरे एजुकेशन सिस्टम, हमारे विद्यार्थी सभी के ऊपर इसका इफेक्ट आया, तो बहुत सारे चेंजेस हमको इसकी वजह से करना पड़ रहा है। जी, और बहुत सारे चेंजेस जैसे आपने किया कहा है कि अब लागू होंगे, कुछ उन चेंजेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक तो बोर्ड एग्जामिनेशंस पे मैं आऊंगा संजय जी, क्योंकि ये अभी चिंता का विषय है। जो छात्र के 10th और 12th बोर्ड्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्या वो बोर्ड एग्जाम्स होंगे या फिर रद्द किए जाएंगे? नहीं देखिए, बाकी जो है हमने 1 से 8 तक तो हमने प्रमोशन दे दिए, 9वीं जी क्लास वाले, 11वीं क्लास वाले, उनको भी उनके जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रमोट करने जा रही। अब 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है उसका कुछ पार्ट होगा कुछ नहीं हुआ, तो 10वीं और 12वीं ये जो एग्जाम है इसमें हमारा विद्यार्थी जो है उसकी जीवन को एक नई दिशा ये एग्जाम देता है, क्योंकि उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कौन सी दिशा में उसको जाना है। तो इसलिए एग्जाम भी महत्वपूर्ण है, और ऐसी सिचुएशन अब बन गई कि इसमें हम एग्जाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर अलग अलग मत प्रणाली है, लेकिन इसमें से हम हमारे जो विद्यार्थी है उसका भी कुछ उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए इस तरह का हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एग्जाम भी बहुत जरूरी है, और जैसे आपने कहा कि ये एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन एग्जाम्स को दोबारा किया जाएगा, मगर बाकी एग्जाम्स जो हैं वो अभी फिलहाल के लिए रद्द किए गए हैं, और 1 से 8 के छात्र को तो ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल गया है। एक सवाल भी मैं पूछूंगा यूजीसी के गाइडलाइंस पे। तो यूजीसी ने कहा है कि नया एकेडेमिक साल जो है वो सितंबर से शुरू होगा, यूनिवर्सिटीज में लोग अगस्त तक दोबारा दाखिला ले पाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये जो टाइमलाइन है इस पे आप निर्भर रह पाएंगे? दिस इज अ प्रैक्टिकल टाइमलाइन सर, यू विल बी एबल टू फॉलो इट? नहीं, अभी जो सिचुएशन है हमारे पास में अभी बहुत समय है, जी क्योंकि मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हमारे हाथ में है, तो मुझे ऐसा लगता कि सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गई तो हमारे एग्जाम हो जाएंगे, बाद में वो पेपर वगैरह जांच की जाएंगी, उसके रिजल्ट लगेंगे, और उसके बाद में हमारे एडमिशन प्रोसीजर वगैरह, तो हमारे हाथ में अभी तो काफी समय है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ जल्दी अगर ठीक हो गया तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस हमको करने की जरूरत नहीं है। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि एकेडमिक साल को इसलिए आपने पोस्टपोन किया है ताकि आपको समय मिल जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जून में एकेडमिक साल जो जुलाई में एकेडमिक साल जो है वो शुरू हो जाता था काफी यूनिवर्सिटीज में। कई यूनिवर्सिटीज में मई और जून में एडमिशन शुरू हो जाते थे, मगर इस लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से सब कुछ आपने डिले किया है इसी वजह से सर, ताकि छात्र परेशान ना हो, छात्र ये ना सोचे कि अब तक एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं तो जून में दाखिला कैसे हो पाएगा? हाँ, ये इसीलिए किया गया क्योंकि कई बार ऐसा होता कि हम आज अगर बोलते थे कि जुलाई में शुरू होने वाला है, फिर और 15 दिन के बाद बोलते थे अगस्त में होने वाला है, इसलिए अभी से हमने फैसला लिया कि भाई सितंबर से शुरू होगा, तो हमको थोड़ा ज्यादा समय इसमें मिल गया। और जो अनिश्चितता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि कोई एक आधी घटना होती तो वो घटना से ज्यादा परेशान नहीं होते लोग, लेकिन जो एक लटकती हुई जो तलवार रहती उससे लोग ज्यादा परेशान होते, तो इसलिए हमने ये फैसला लिया। मगर क्या सिलेबस को कम किया जाएगा अगले साल के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्योंकि एकेडमिक साल जो है वो छोटा हो रहा है और अभी काफी सारी परेशानी भी चल रही है लोगों के मन में, क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कितने कितना एफिशिएंट वो सिस्टम है ये तो समय ही बताएगा। तो इस वजह से क्या सिलेबस जो है वो रिवाइज किया गया है, क्या सिलेबस जो है वो शॉर्टन हो रहा है? नहीं, अभी अगर जल्दी अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तो इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर समय तक ये सिचुएशन रही और हमारा जो एकेडमिक सेशन रहता उसमें अगर बहुत कम समय अगर निकला मिला हमको, तो हमको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी कई ये जगह सेमेस्टर सिस्टम है। अब सेमेस्टर में जनरली ये 4 महीने का वगैरह सेमेस्टर होता है, उसमें अगर 4 महीने की जगह 2 ही महीने मिल गए तो वो पीरियड बहुत कम हो जाएगा, जी लेकिन हमारा जो ईयरली सिस्टम है उसमें अगर हमारे 8 महीने की जगह अगर 7 महीने मिल गए तो वो 1 महीने का हम मैनेज कर सकते जी ये जो ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है पूरे देश में, ये क्या एफिशिएंटली इफेक्टिवली चल रही हैं? क्योंकि आपका विभाग जो है, आपका मंत्रालय, ये सब मॉनिटर कर रहा होगा, हैं।
तो क्या ये इफेक्टिव, ये क्या इफेक्टिव टूल है, इससे क्या क्या छात्रों को लाभ मिल रहा है अभी भी, क्या हैज इट बिन कैरिड आउट इन अ इफेक्टिव मैनर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि अब सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई और कॉलेज में पढ़ाई, एग्जाम्स भी कई ऑनलाइन हो रहे हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई करीब करीब हमारी सरकार जब से आई तब से उन्होंने इसकी पहल की थी कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म चेंजेस हमको लाना चाहिए, और उसी का एक हिस्सा जो है ऑनलाइन एजुकेशन को हमने बढ़ावा दिया, तो ये शुरुआत से चल रहा था। अभी हम इसको और ज्यादा एफिशिएंटली, क्योंकि अभी जो सिचुएशन पैदा हुई उसमें एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसलिए हमने इसको ज्यादा हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें हमारी बाकी जो मिनिस्ट्री है जैसा कम्युनिकेशन, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है इनका भी सहारा हम इसमें ले रहे हैं। ओके, आखिरी सवाल फिर आपसे संजय धोत्री जी, जाने से पहले ट्यूशन फीस को लेके भी काफी शंका है लोगों के मन में, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन फीस को इस वक्त में, लोगों की स्पेंडिंग पावर जो है वो कम हो गई है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो स्कूल फीस और ट्यूशन फीस पे कोई प्रतिक्रिया है आपकी, क्या मंत्रालय जो है कोई कदम ट्यूशन फीस को लेके अपनाने जा रही है? नहीं, अभी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जैसा हमारे नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय है उसमें तो बिल्कुल ये फीस बढ़ाई नहीं जाएंगी, लेकिन बहुत सारे जो स्कूली शिक्षा जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो स्टेट में भी हमने स्टेट्स के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके साथ में भी हमने बात की है, और हर स्टेट इसके बारे में प्रयास कर रहा कि इसकी फीस न बढ़ाई जाए और थोड़ा सा जो हर साल जो फीस देते उसमें भी थोड़ी सी सहूलियत दी जाए, क्योंकि ये इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है, मैंने शुरुआत में कहा था कि सबके ऊपर इसका असर आने वाला है, इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण बहुत सारे लोग जो है वो फीस एकदम दे भी नहीं सकते, तो उसको भी थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में देने की वगैरह वो भी वैसा भी स्टेट गवर्नमेंट भी सजेस्ट कर रही है और हम भी उसको सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस तरह की अगर कोई स्कीम बनाई जाए कि 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में वो जो फीस है उसको लिया जाए। जी बिल्कुल, और हम वो चर्चा जारी रखेंगे, बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हर राज्य के हमारे संग जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज एक्स पे, अगले 2 घंटे उनके साथ लगातार चर्चा करेंगे हम इसी विषय पर, मगर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय धोत्री जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने समय निकाला, और आप भी स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। MOS HRD आपको बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच धोत्री जी, थैंक यू सो मच संजय धोत्रे।